हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग पे स्वागत है। जैसा कि आपको हम संविधान और राज व्यवस्था पढ़ा रहे हैं, उसके तहत हम भारत का संवैधानिक विकास आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमने संवैधानिक विकास के अंतर्गत यह देखा कि भारत में संवैधानिक विकास की नींव कैसे पड़ी। तो जैसा कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है और उस समय भारत में मुगल शासक का कार्यकाल चल रहा था, तो उनसे वो अपने व्यापार के लिए अधिकार पत्र प्राप्त कर व्यापार करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिर भारत में राजनीतिक अस्थिरता और कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। उसके बाद फिर जो महत्वपूर्ण घटना हुई 1757 एवं 1764 के बक्सर पलासी एवं बक्सर के युद्ध में, इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों को जीत होती है और उसके बाद फिर उन्होंने न सिर्फ भारत में अपनी सेना गठित की बल्कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, संसाधनों को लूटना प्रारंभ करते हैं। जब इसका समाचार ब्रिटेन में पहुंचता है तो ब्रिटेन इसको अपनी संप्रभुता के खिलाफ उचित न समझते हुए समय समय पर उसी कंपनी पर कई प्रतिबंध लगाए, जो हम उसको 1773 रेगुलेटिव एक्ट के माध्यम से देखे, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देख चुके हैं, उसके बाद फिर 1813 का भारत शासन अधिनियम देख लिए हैं, फिर 1833 का एक्ट देखे, उसके बाद फिर 1853 का भी हम एक्ट देख चुके हैं। उसके बाद फिर 1857 की क्रांति होने के बाद जो कंपनी की कुशासन एवं नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो उसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद भारत में पूरी तरीके से ब्रिटिश ताज का शासन कायम हो जाता है, जिसे हम 1858 से 1947 तक के घटनाक्रमों को हम देखते हैं। तो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं कि 1858 में क्या घटना घटित हुई। तो जैसे इसमें लिखा है ताज का शासन, ताज का शासन का मतलब यह है कि अब पूरी तरीके से भारत जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन हो गया था। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 की विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इसी को भारत को अच्छा बनाने वाला कानून के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसी कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां जो है वो ब्रिटिश राजशाही को स्थानांतरित कर दी गई, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। उसके बाद फिर और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद जो था उसका नाम बदलकर अब भारत का वायसराय के नाम से कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल का पद था इससे पहले 1858 के एक्ट के पहले, अब उसी का नाम भारत का वायसराय कर दिया गया और वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट क्या था, किस अधिनियम के, इस अधिनियम में के नियंत्रण में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पद को समाप्त कर दिया गया और द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। जैसा कि हमने 1784 के एक्ट में यह बताया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और दूसरी संस्था थी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर, इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन प्रारंभ किया जाता है भारत में। तो वही जो दूसरी संस्था थी, दूसरी संस्था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को उसको समाप्त कर दिया जाता है और उसी से द्वैध शासन भी समाप्त कर दिया जाता है 1858 के अधिनियम में। उसके बाद फिर इसमें और क्या मुख्य बातें थी, तो इस अधिनियम में एक नए पद भारत के सचिव का संयोजन किया जाता है जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी, यानी कि जो भारत का सचिव था वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और उसमें भारत में पूर्ण नियंत्रण की शक्ति उसमें समाहित थी। जो उसके बाद फिर यह सचिव ब्रिटिश
कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। उसके बाद फिर सचिव की सहायता के लिए जो ब्रिटिश सचिव थे जो भारत में कार्यरत थे उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव जो अध्यक्ष था 15 सदस्यीय परिषद का उसका अध्यक्ष जो था उसको किसे बनाया गया जो भारत का सचिव हुआ था भारत सचिव को। उसके बाद फिर इसी अधिनियम के तहत नागरिक विधि संहिता को भी बनाया गया और जो हम आईपीसी पढ़ते हैं आईपीसी की धारा वो भी इसी अधिनियम के तहत बनाया गया और फौजदारी विधि संहिता को भी 1858 के अधिनियम में लागू किया गया और हाई कोर्ट एक्ट भी पारित किया गया इसी अधिनियम के द्वारा। उसके बाद फिर 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि अब भारत में शासन करने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना भी अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद फिर इस सहयोग नीति के तहत संसद ने ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892, 1909 तीन अधिनियम पारित किए जो भारत तीन अधिनियम पारित किए और 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है भारत की संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम बना। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं को देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय को कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। अब इसमें सदस्य दो प्रकार के होते थे, एक जिसे हम सरकारी सदस्य के रूप में जानते थे दूसरे थे गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य वो होते थे जो अंग्रेज लोग थे और गैर सरकारी सदस्य उन्हें कहते थे जो भारतीय थे। अब तक के जितने भी हम अधिनियम पढ़ चुके थे उनमें किसी भी भारतीयों को नियुक्त करने का या मनोनीत करने का प्रावधान नहीं था। वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में जो वायसराय की कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में उनको नियुक्त करने का या नामांकित करने की व्यवस्था की गई और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों यानी कि बनारस के राजा पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। ये तीनों कैसे थे? गैर सरकारी सदस्य थे यानी कि भारतीय थे। उसके बाद फिर इसी अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत करते हैं। तो विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है? जैसा कि हम आज देखते हैं केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार, जब शक्तियों का हस्तांतरण या स्थानांतरण पूरी तरीके से केंद्र में निहित होता है तो उसको हम केंद्रीकरण बोलते हैं और जब शक्तियों का हस्तांतरण सिर्फ केंद्र और राज्य दोनों तरफ होता है तो उसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, उसी को हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। उसके बाद फिर इसी के तहत जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी बंबई प्रेसिडेंसी थी इनको यह शक्तियां दी गई कि आप भी अपनी विधायी शक्तियों को बना सकते हैं। उसके बाद फिर इसी के तहत बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया यानी कि बंगाल में 1862 में,
और 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और 1897 में पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया जाता है। उसके बाद फिर इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपको पूछता पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो उस समय वायसराय थे, और किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। उसके बाद फिर इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, और ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। जैसा कि आज हम देखते हैं वर्तमान में कि संविधान में राष्ट्रपति जो है और राज्यपाल, इनको अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई है। उसी प्रकार ये तो वर्तमान भारत अभी अभी के परिदृश्य में है, उस समय जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था तो उस समय यही शक्ति वायसराय के अंदर निहित थी कि उनको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। और आज भी जो अध्यादेश हमारे यहाँ जारी किया जाता है उनकी भी अवधि 6 माह है, और उस समय भी अवधि 6 माह होती है, 6 माह होती थी। उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या विशेषताएं थी। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी, जैसा कि हम अभी समझ चुके हैं कि गैर सरकारी का सदस्य मतलब भारतीयों की सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत जो रहा वो सरकारी सदस्यों का ही रहता था। यानी कि अब न सिर्फ केंद्रीय स्तर पर बल्कि प्रांतीय स्तर पर भी अब भारतीयों की नियुक्ति की जाने लगी, और इसमें विधान परिषदों में कार्यों में वृद्धि कर बजट पर सबसे पहले, अगर बजट पर बहस करने का अधिकार जो दिया गया वो था 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद फिर इसी में इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, इतना बड़ा पॉइंट याद करने से अच्छा है कि अगर आपको नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान अगर किसी प्रश्न में पूछता है तो वो आप 1892 के भारत परिषद अधिनियम में जानते हैं। नियुक्ति करने की जो शक्ति थी या नियुक्ति करने का जो प्रावधान था वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में था। इसमें तमाम, चाहे विश्वविद्यालय हो, व्यापार संघ हो, जमींदारों में हो या चैंबर्स ऑफ कॉमर्स हो, इन सभी में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने से संबंधित प्रावधान किए गए थे। उसके बाद केंद्रीय और विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब इसी अधिनियम में, 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का जो उल्लेख मिलता है वो इसी परिषद अधिनियम में मिलता है, और ये भी हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद फिर 1909 के अधिनियम की क्या विशेषताएं थी उसको भी हम देख लेते हैं। तो इस अधिनियम को माले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? जो उस समय लॉर्ड मार्ले थे वो लॉर्ड मिंटो ये भारत के सचिव थे, और ये भारत के वायसराय थे। तो इसीलिए इस अधिनियम को माले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों
के आकार में काफी वृद्धि की और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से सीधे 60 कर दी गई। और जैसा कि अभी हम जो देखते हैं संसद में लोकसभा है और राज्यसभा है, तो इसमें टोटल जो केंद्र स्तर पर सीटों की संख्या थी वो 16 से 60 कर दी गई। लेकिन जैसा कि आज हम देखते हैं बंगाल हो चाहे बिहार हो महाराष्ट्र हो उड़ीसा हो, जैसे कि हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं वर्तमान में, तो इन 28 राज्यों में जो विधानसभाओं की सीटें हैं वो अलग अलग थी। उसी प्रकार उस समय भी जितने भी विधान परिषदें बनाई गई थी इनकी संख्या एक समान नहीं थी, यानी कि संख्या अलग अलग थी, जबकि केंद्रीय स्तर पे जो सीटें थी वो 16 से 60 कर दी गई। उसके बाद इसमें क्या था, इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कि अब जो केंद्र स्तर पे जो भी योजनाएं थी उसमें अभी भी या कोई बहुमत सिद्ध करना होता था तो उसमें जो अंग्रेज लोग थे उन्हीं का बहुमत मान्य था, जबकि जो प्रांतीय स्तर पे थे उसमें गैर सरकारी यानी भारतीयों का भी बहुमत मान्य होता था। उसके बाद फिर दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चा के लिए बढ़ाया गया और उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना भी प्रावधान किया गया। ना सिर्फ मतलब पहले बजट पर बहस कर सकते थे, अब लिखित भी प्रावधान इसमें सम्मिलित किया गया। किस एक्ट के माध्यम से, 1909 के एक्ट के माध्यम से। उसके बाद फिर देखते हैं आगे, तो इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय वायसराय बने, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया। यानी कि जो वायसराय या गवर्नर की परिषदें थी तो उसमें अब क्या किया गया, अब भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो वैसे जो वायसराय की परिषद थी, वायसराय की परिषद में पहले जो गैर भारतीयों को नियुक्त किया गया जो वायसराय की परिषद में, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। यहां से भी हमारे परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद इन्हीं को विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्य परिषद में अपनाया गया था। उसके बाद फिर निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं, इस पॉइंट का क्या मतलब है। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि जैसे कि आज हम वर्तमान भारत में देखते हैं कि लोकसभा के लिए 543 सीटें हैं, तो 543 या 545, तो इसमें क्या होता था, आज हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे सामान्य सीटें होती हैं, वहां पे सब कोई लड़ सकता है, कोई भी जाति का व्यक्ति लड़ सकता है। और जो आरक्षित सीटें होती हैं उनमें वही लोग लड़ सकते हैं जिनके लिए वो सीटें आरक्षित कर दी जाती थी। तो लेकिन इसमें यह प्रावधान किया गया भारत को तोड़ने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कि अगर कोई मुस्लिम चुनाव लड़ने वाला है तो उसको केवल मुस्लिम लोग ही मतदान कर सकते थे। तो इसका तात्पर्य यह था कि अंग्रेज अब भारत को तोड़ने की रवैया अपना रहे थे धीरे धीरे, कि अब मुस्लिमों को अलग कर रहे थे, फिर आगे एक्ट में देखेंगे फिर उसको और तोड़ने के लिए तमाम और स्तर पे उन्होंने अलग प्रतिनिधित्व का चुनाव में शामिल करते हैं। तो ऐसे
इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं, निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, जो हम इधर आपको समझाए। उसके बाद इस प्रकार इसी अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपको परीक्षा में अगर प्रश्न पूछता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, तो वो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। उसके बाद फिर हम आगे के प्रावधान को देखते हैं। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 का एक्ट आता है, इसमें देखते हैं क्या मुख्य बातें थी। तो भारत शासन अधिनियम अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में प्रमुख रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। पहली बार उत्तरदायी सरकार की बात की गई किस एक्ट में, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया। इसी अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू कौन थे, तो भारत सचिव थे। ये वायसराय थे। उसके बाद फिर इसी में लोक लेखा समिति का, जो हम आज समितियों के बारे में पढ़ते हैं भारतीय संविधान में, तो लोक लेखा समिति का भी प्रावधान इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों पर विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक रहा। यानी कि न सिर्फ अब केंद्र विधियों को बना सकती थी, अब प्रांतीय स्तर पर भी लोगों को सूचियां बनाने का या बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन जो अभी भी शक्तियां या सूचियां बनाने पर जो केंद्रीय ढांचा था वो भी अभी एकात्मक ही बना रहा। अभी यानी कि उतनी शक्ति जितनी केंद्र को थी उतनी प्रांतों को नहीं दी गई। उसके बाद इसी प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को। जो उसके बाद फिर हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सलाह लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, और दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन के रूप में जाना जाता है। यानी कि यहीं से द्वैध शासन फिर से स्टार्ट होता है प्रांतों में। उसके बाद फिर इसी अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, जो आज हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं कि संसद में दो सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इस पॉइंट का यही मतलब है कि उस समय भी जो हम आज देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा का जो प्रारंभ किया गया वो इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था, और द्वैध शासन व्यवस्था की गई प्रांतों में। उसके बाद फिर इसने सांप्रदायिक आधार पे, जो हम 1909 के एक्ट में सिर्फ मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या चुनाव का जो हम पढ़े थे उसके बारे में, अब न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सिखों को, ईसाइयों को और आंग्ल भारतीय जो थे और प्लस यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। यानी कि अब अंग्रेज और भारत को तोड़ने की साजिश में लगे हुए थे कि न सिर्फ मुसलमानों को अलग किया जाए, सिखों को भी अलग करने का प्रावधान किया, ईसाइयों को, यानी अलग अलग सीटों का प्रावधान इनके लिए किया गया।
उसके बाद फिर इसी अधिनियम के माध्यम से एक लोक सेवा आयोग का, जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था वो इसी अधिनियम के तहत किया गया। 1926 में सिविल सेवकों को के लिए भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद इसी अधिनियम में 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, केंद्रीय लोक सेवा का। उसके बाद इसने पहली बार केंद्रीय बजट, जो केंद्रीय बजट होता था राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया। यानी कि अगर यह भी पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी देखते हैं केंद्र का बजट अलग होता है और राज्य का बजट अलग होता है। राज्य बजट में आप देखते होंगे यूपी हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, सबके अपने अपने अलग बजट बनाए जाते हैं, और जबकि केंद्र का बजट अलग होता है। तो इसी अधिनियम में इसमें भी कहा गया न सिर्फ केंद्रीय स्तर पर बजट अलग होगा बल्कि राज्यों में भी बजट अलग कर दिए गए। उसके बाद फिर हम भारत शासन अधिनियम 1935 पे आते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि जैसा कि हमारे संविधान में विभिन्न देशों से कई प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान में कई सारी चीजों को उसमें हुबहू डायरेक्ट ऐसे सम्मिलित कर लिया गया। तो इस अधिनियम में भारत में पूर्ण उत्तरदायी यानी कि अब पूरी तरीके से उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित होती है, जो हम अभी आपसे बता रहे थे कि इसके ज्यादातर प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में जैसे के तैसे सम्मिलित कर लिए गए हैं थोड़ा बहुत संशोधन के माध्यम से। उसके बाद फिर यह एक विस्तृत लंबा दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी उस समय जब भारत शासन अधिनियम 1935 को लाया गया था। तो इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, तो इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की और जिसमें राज्य और रियासतों को एक करने का, जैसे कि आपको पता था उस समय जो हमारा भारत था वो दो हिस्सों में बटा था, एक ब्रिटिश प्रांत थे और दूसरा जो था वो रियासतों का था। उस समय लगभग भारत में 93 रियासतें थी और 296 के आसपास उस समय ब्रिटिश प्रांत थे लगभग। उसके बाद फिर इसी में यह कहा गया कि राज्य और रियासतों को एक करने का प्रावधान किया गया और केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान इसी अधिनियम भारत शासन अधिनियम में किया गया। सेम चीज आप इसको हम अपने वर्तमान संविधान में इसमें देखते हैं कि आज भी हम सूचियों को पढ़ते हैं जो संविधान की अनुसूची में पढ़ते हैं, 7वीं अनुसूची जो है उसमें भी शक्तियों की बंटवारे की बात की गई है। उस समय जो था जब भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ तो उस समय केंद्र में केंद्र में 61 विषय थे और राज्य में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। आज आप देखते होंगे कि वर्तमान संविधान में इसकी संख्या जो कर दी गई है वो 100 कर दी गई है। ये अंग्रेजों के समय का है और ये वर्तमान परिदृश्य की बात है। वर्तमान परिदृश्य में संघ में 100 सूची है और राज्य में 61 सूची है और समवर्ती में कुल 52 है। तो
आप देख रहे हैं ये प्रावधान अभी भी हमारे भारतीय संविधान में सूचियों में शक्तियों के बंटवारे के रूप में सूचियां बनाई गई है। और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान उस समय भी था, अवशिष्ट शक्तियों पे जो नियम कानून बनाने की जो शक्तियां दी गई थी वो वायसराय को दी गई है, अभी जो है वो हमारे केंद्र सरकार को वो शक्तियां दी गई है। और अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां उसे कहते हैं कि जैसे भविष्य में कुछ आने की ऐसी विषयों की संभावना है जो अभी ना हमारे वर्तमान संविधान में है, जो भविष्य में, जैसे कि जब हमारा भारत का संविधान बना तो उस समय इंटरनेट या टेक्नोलॉजी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इंटरनेट का जो अधिकार है वो अवशिष्ट शक्तियों पर उनसे संबंधित कोई प्रावधान जो बनाने की शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार में नियुक्त कर दी गई है। और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान हम भारत शासन अधिनियम 1935 में भी देखते हैं, उस समय उसको उस पर जो शक्तियां बनाने का कानून अधिकार था वो वायसराय को दिया गया। इसी ने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार किया गया। जो इससे पहले हम भारत शासन अधिनियम 1919 में पढ़े कि प्रांतों में द्वैत शासन आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को लागू किया गया, उसको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समाप्त कर दिया जाता है और प्रांतों को स्वायत्तता अब यहीं से प्रदान की जाती है। इसमें केंद्र में द्वैध शासन यानी प्रांतों में समाप्त करके अब फिर केंद्र में इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ करते हैं, जबकि यह प्रणाली जो है सक्सेस नहीं होती है या प्रावधान यानी लागू नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर इसमें 11 राज्यों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था, जो हम आज देखते हैं कि भारत में जैसे 28 राज्य हैं वर्तमान में, आपने ये देखा होगा कि द्विसदनीय व्यवस्था आज भी हमारे भारत के संविधान में है, तो हूबहू 1935 के अधिनियम के द्वारा ही द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान हमने एक्सेप्ट किया था अपने संविधान में। तो उस समय जो 6 राज्य कौन कौन से थे जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था थी, तो पहला था बंगाल और दूसरा मद्रास था, तीसरा मुंबई था, चौथा संयुक्त प्रांत था जिसे हम आज यूपी के नाम से जानते हैं, और पांचवा असम था। इसमें छठा राज्य छूट गया है, जो छठा राज्य था वो था बिहार। यानी कि इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई और वही द्विसदनीय व्यवस्था आज हम वर्तमान परिदृश्य में भी हम देखते हैं। और इसने दलित महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का और विस्तार किया, यानी कि फिर पहले मुसलमानों को दिए, फिर उसके बाद आंग्ल भारतीय सिख ईसाइयों को दिए, अब फिर से और ज्यादा भारत का बंटवारा करने के लिए अब दलितों को दिए, फिर महिलाओं को दिए, फिर मजदूर वर्ग को, यानी कि भारत को तोड़ने में ये लगातार अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद फिर इसी अधिनियम के तहत इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख का नियंत्रण, ये पॉइंट जो है हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो हम आरबीआई की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं तो इसी अधिनियम के तहत किया गया था। उसके बाद इसमें न केवल संघ लोक सेवा, जैसे आज हम देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान है और स्टेट पीसीएस का भी प्रावधान है, और 2 से अधिक राज्यों को मिला के जो व्यवस्थाएं या परीक्षाएं कराई जाती हैं उनको संयुक्त लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, उसका भी प्रावधान कहां था, वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। और इसी के तहत 1937 में संघीय न्यायालय का जो प्रावधान किया गया वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। उसके बाद फिर हम अब वो समय आया जिसका हम भारतीयों का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कब हम भारतीय लोग अंग्रेजों के चंगुल से आजाद होंगे और हमको पूरी तरीके से स्वतंत्र तरीके से जीने का अवसर मिलेगा। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया जाता है, और इसमें हम देखते हैं क्या मुख्य प्रावधान था, तो फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय क्लेमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश लोग जो अंग्रेज थे यहां से वो अपन शासन सत्ता समाप्त कर देंगे। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी, ऐसा नहीं कि भारत को आजाद कर रहे तो चाहे जिसको सत्ता सौंप दी जाएगी, उस समय जो लोग बौद्धिक लोग थे या जो
देश की आजादी के लिए लगे हुए थे उन उत्तरदायी लोगों के हाथों में शासन सत्ता सौंप दी जाएगी। और इस घोषणा पर जो मुस्लिम लीग थी, जो 1906 में जिसका गठन किया गया था, आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की। और 3 जून 1947 को ही ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो यह ऐसा बोला कि जो 1946 में संविधान सभा गठित की गई थी, संविधान सभा उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगी जो जो इसे स्वीकार करेंगे। यानी कि संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। तो इसमें यह बोला गया कि जैसे मुस्लिम लीग जो थी वो भारत शासन अधिनियम में वो अपने अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग कर रही थी, तो उस समय अंग्रेज ने कहा कि जो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ केवल उन्हीं क्षेत्रों पे लागू होगा जो इसको अपनी अंतर आत्मा से स्वीकार करेंगे। और उसके बाद फिर उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू किया गया। यानी कि इसी अधिनियम के तहत भारत के दो हिस्से किए जाएंगे, एक राष्ट्र बनेगा भारत और दूसरा पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। इस अधिनियम में क्या बातें थी उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर, यानी कि पूरी तरीके से भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया जाएगा। और 15 अगस्त 1947 को जो हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और इसमें भारत का विभाजन कर, यानी कि भारत उस समय भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र, जो हमने बताया पहला भारत का और दूसरा पाकिस्तान का सृजन किया गया, और जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का भी प्रावधान किया गया था कि वो चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बन सकते हैं या उनके मर्जी के ऊपर छोड़ दिया गया। उसके बाद वायसराय का पद समाप्त कर उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद, जो हम 1858 में वायसराय के पद का जो सृजन किया जाता है, वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में उसको समाप्त कर फिर से गवर्नर जनरल का पद उसको बना दिया जाता है, और जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, यानी कि भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया लेकिन वो ब्रिटिश राज के तहत नहीं होगा। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देश को संविधान बनाने, उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी, और सभाओं को यह भी शक्ति दी किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। यहां तक कि स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था उसको भी निरस्त करने का अधिकार इन संविधान सभाओं को प्रदान किया गया। उसके बाद फिर रियासतों को स्वतंत्रता दी कि चाहे वह भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिलकर या स्वतंत्र रह सकती है। जैसा कि हमने बताया आपको कि भारत में ब्रिटिश राज भी थे और रियासतें भी थी। रियासतों से यह बोला गया कि चाहे तो आप पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं या भारत में विलय कर सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। यह भारत शासन अधिनियम 1947 में बोला गया। इसमें शाही उपाधि भारत का सम्राट को भी समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर तो जैसा कि भारत का संवैधानिक विकास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यह दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादातर चीजें याद करने वाली हैं, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा बहुत है, तो हमने यह क्लास आपकी कंप्लीट करवा दी है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको भी हम देख लेंगे। इसके बाद यह चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू।